हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? एग्जिट पोल के बाद बैकफुट पर बीजेपी क्या दिखाई पड़ रही है? हरियाणा में सरकार बनाने के लिए क्या है बीजेपी का प्लान बी? आखिर क्यों निर्दलियों पर बीजेपी ने अपनी नजर पैनी नजर बनाए हुए है? बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी क्यों निर्दलियों को साधना शुरू कर दिया है? क्या हरियाणा में वाकई में यही निर्दलीय किंग मेकर बनते दिखाई पड़ेंगे? कैसे एग्जिट पोल के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है और कैसे कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं? बीजेपी का प्लान बी कैसे काम करेगा? क्या बीजेपी के प्लान बी यही निर्दलीय हैं? ये सब कोशिश करते हैं राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी ये तो 8 अक्टूबर मंगलवार के दिन साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिली है। बीजेपी एग्जिट पोल को गलत करार देते हुए पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है। उसने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है। इसके तहत मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों पर नजरें गड़ा ली गई। बीजेपी ऐसे निर्दलियों से संपर्क भी साध रही है जो जीतने की स्थिति में लग रहे हैं। वहीं इसकी भनक लगते ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी निर्दलियों को साधना शुरू कर दिया है। दोनों दलों ने 8 अक्टूबर को परिणाम के बाद खासकर निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए नेताओं की ड्यूटी लगा दी है। खुफिया एजेंसियों ने सभी मजबूत निर्दलीय प्रत्याशियों की पल पल की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। किन किन निर्दलीय उम्मीदवारों पर बीजेपी की पैनी नजर है संक्षेप में अगर जाने तो सबसे पहला नाम इसमें बीजेपी की बागी जो कि हिसार से हैं सावित्री जिंदल का नाम आ रहा है। उनको मनाने के लिए बीजेपी ने उनके बेटे सांसद नवीन जिंदल को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद गन्नौर से बीजेपी के ही बागी देवेंद्र कादियान कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे सीएमओ के अधिकारियों को लगाया गया है। कादियान मनोहर लाल के करीबी भी बताए जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी के ही बागी पूर्व मंत्री रानिया से निर्दलीय रणजीत चौटाला और गुरुग्राम से नवीन गोयल ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा है। इन दोनों के लिए भी बीजेपी ने जिम्मेदारी तय कर दी। हालांकि रणजीत चौटाला को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी करीबी माना जाता है, इसलिए कांग्रेस भी चौटाला के संपर्क में। प्रिथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत और महम से बलराज कुंडू भी टक्कर में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के बागियों की बात करें तो सबसे अधिक चर्चा अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा की हो रही है। सरवारा ने अनिल विज के सामने मजबूती से चुनाव लड़ा है और वो टक्कर देती नजर आ रही है। इनके बाद नाम आता है पानीपत से कांग्रेस की बागी रोहिता रेवड़ी का। बड़ौदा में कांग्रेस के बागी कपूर सिंह नरवाल और इंदुराज नरवाल को कड़ी टक्कर देते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं। इनके बाद कांग्रेस के विधायक राजेंद्र जून की बहादुरगढ़ में निर्दलीय राजेश जून राह रोकते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल जिले की सीट पुंडरी से सतबीर भाड़ा और कलायत से कांग्रेस की बागी अनीता ढुल का भी चुनाव अच्छा हुआ है। कांग्रेस इन पर नजर बनाए हुए है। हरियाणा चुनाव को लेकर लगभग हर एग्जिट पोल में कांग्रेस के अनुमान ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। कांग्रेस अनुमान से ज्यादा जीतती नजर आ रही है। ऐसे में सीएम सैनी की तीसरी बार बीजेपी सरकार के विश्वास का आधार क्या है और आखिर वो किन इंतजामों की बात करके ये कह रहे हैं कि तीसरी बार वो सत्ता में आ रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर सारे इंतजाम की बात करें तो उसके पीछे बीजेपी की त्वरित निर्णय और हर समय एक्शन मोड में रहने वाली पार्टी की इमेज जरूर हो सकती है। 2019 के हरियाणा चुनाव की ही बात कर लें, कांग्रेस सरकार बनाने की संभावना ही टटोल रही थी कि बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को साथ कर लिया, जननायक जनता पार्टी के साथ 10 सीटें लेकर सरकार बना ली। वहीं इस बार सैनी का संकेत उस तरह का ही दिखाई पड़ रहा है, उस तरफ ही दिखाई पड़ रहा है। अगर वैसी ही तस्वीर बनती है तो पार्टी के पास वैसी परिस्थितियों में भी इंतजाम है और इसलिए हम इसे प्लान बी कह रहे हैं। हरियाणा में चुनाव के दौरान बीजेपी के अनिल विज, राव इंद्रजीत जैसे नेताओं की सीएम पद को लेकर महत्वाकांक्षा खुलकर सामने आई है। वहीं कांग्रेस की ओर से कुमारी शैलजा भी मतदान के एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री की दावेदारी करती रही। बीजेपी की रणनीति कांग्रेस और अन्य पार्टियों के महत्वाकांक्षी विधायकों को चिन्हित कर उनकी महत्वाकांक्षा को हवा देने की भी हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में अगर बीजेपी बहुमत से चूकती है तो उसका प्लान भी कितना काम करता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी पार्टी में फूट डालती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर मामला कुछ उस तरीके का नहीं दिखा, उस तरीके से संदर्भ जादुई आंकड़े जैसा पहुंचने तक नहीं दिखा तो वाकई में टूट फूट तो दिखाई ही पड़ेगी और ये निर्दलीय हो सकता हो गेम चेंजर बन जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।